धनीराम अपनी बुआ नगीना के घर घूमने गया हुआ था। दोपहर का वक्त था, तभी उसकी बुआ बाथरूम में जाकर नहाने लगी। इसी बीच नगीना का 19 साल का भतीजा धनीराम वहां पर पहुंच गया और बुआ को बाथरूम में नहाते हुए खिड़की के हॉल से झांक कर देखने लगा। बुआ बिना कपड़ों के बाथरूम में नहा रही थी। बुआ को नग्न अवस्था में देख कर भतीजे के मन के अंदर वासना भर गई और वे अपने आप को रोक नहीं पाया और बुआ नगीना को आवाज लगाने लगा, बोला, बुआ आपको कपड़े चाहिए क्या? तभी उसकी बुआ बोली, नहीं तुम यहाँ से जाओ, मैं कपड़े ले रखी हूँ। जब भतीजे की एक भी ना चली तो भतीजा ने हाथों से इस्तेमाल करके खुद को शांत कर लिया और बुआ को बाथरूम से निकलने का इंतजार करने लगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऐसे अपलेयर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। दोस्तों ये चढ़ती जवानी और बेलगाम हवस की कहानी राजस्थान के चुरू जिले की है। अब जैसे ही धनीराम के बुआ नगीना नहा धोकर बाहर आई और बेडरूम में पहुंचकर कपड़े बदलने लगी, तभी घात लगाए बैठा उसका भतीजा आ गया और पीछे से अपनी बुआ को बाहों में जकड़ लिया और बोला, आई लव यू बुआ। भतीजा को ऐसी हरकत करते देख बुआ नगीना दंग रह गई और उसकी भी जवानी उफान मारने लगी, क्योंकि पति सुखदेव घर से बाहर था। तभी उसकी बुआ नगीना बोली, छोड़ो अभी नहीं तो कोई देख लेगा। बुआ के मुंह से ऐसा शब्द सुनते ही भतीजा धनीराम होशियारी दिखाते हुए रूम का दरवाजा बंद कर दिया और फिर से बुआ को अपने सीने से लगा लिया और बोला, बुआ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मान जाओ ना। एक बार भतीजा द्वारा बार बार रिक्वेस्ट किए जाने पर उसकी बुआ नगीना मान गई और वह बिना कुछ बोले ही खुद के शरीर को ढीला करके बेड पर आकर लेट गई, जिसके बाद भतीजा धनीराम बुआ के ऊपर आ गया और 61-62 गेम खेलने लगा। धनीराम अभी अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रखा ही था कि वह बुआ के गहरे ज्ञान के समुद्र में डुबकी लगाने लगा। इस तरह भतीजे ने उस दिन अपनी बुआ के प्यासी शरीर की प्यास बुझा दी और जवान खूबसूरत बुआ को अपना दीवाना बना लिया। जब दोनों का प्रोग्राम बंद हुआ तो उसकी बुआ बोली, वाह भतीजे आपने तो मेरी दिल खुश कर दिया, तुम ऐसे प्यार करते हो कि दिल चाहता है कि तुमसे बार बार मैं प्यार करती रहूं। इतना अच्छा तो प्यार तुम्हारे फूफा जी हमारे साथ नहीं कर पाते हैं और वह है कि बाल में आउट हो जाते हैं, और एक तुम हो जो मुझे घंटों घंटों तक प्यार करते हो, उसके बावजूद भी नहीं थकते हो। दिल तो चाहता है मैं तुम्ही को अपना दूल्हा बना लूं। जवान खूबसूरत बुआ के मुंह से इस तरह की बातों को सुनकर भतीजा धनीराम अंदर ही अंदर बेहद प्रसन्न हो गया और फिर से अपनी बुआ नगीना को बिस्तर पर लिटाकर 61-62 वाला प्रोग्राम शुरू कर दिया। अब वे और भी उत्साहित होकर अलग अलग कला का प्रदर्शन करने लगा। काफी देर बाद जब वे दोबारा से 61-62 गेम खेलकर शांत हुआ तो उसकी बुआ से उसके परफॉर्मेंस को देखकर रहा नहीं गया और वह चुपके से जवान भतीजे को राजी करके उससे शादी कर ली। शादी के कुछ ही दिन बाद जब मालकी वाले और उसके पति को इस बात की भनक लगी तो मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसके बाद नगीना का पति प्रदेश से वापस घर चला आया और पत्नी को किसी तरह ससुराल वालों यानी उसके मायके वालों की मदद से समझा बुझाकर शांत कर लिया। तो देखा दोस्तों आपने, आजकल समाज में ऐसी घटनाएं अक्सर घट रही है, इसलिए आप आपराधिक मानसिकता को समझें और आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्तियों से हमेशा सावधान रहें।